अनेक समाचार पत्रों में पांचजन्य क्या लिखता है या ऑर्गेनाइजर क्या लिखता है, इसका हर वीकली रिव्यू भी होता है. यानी वी आर मेकिंग अ डिफरेंस, आवर नैरेटिव इज गेटिंग मोर ट्रैक्शन. मुझे बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जीवन के हर क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम, उपक्रम और संस्था शुरू किए. लेकिन पर्यावरण की गतिविधि, जो पर्यावरण गतिविधि शुरू की है गोपाल आर्य जी के नेतृत्व में, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है. पेड़, प्लास्टिक, पानी, इतनी क्लैरिटी ऑफ पर्पस और मिशन मैंने शायद ही कहीं देखा है. पर्यावरण, पेड़, पानी, प्लास्टिक. प्लास्टिक तो एक उपयोगी चीज 40-50 साल पहले हमारे जीवन में आई, और हम पहले दूध के बॉटल लाते थे मॉडर्न डेयरी से या किसी से भी, मदर डेयरी से. बाद में ये प्लास्टिक आया, इतनी सुविधा हुई. लेकिन मेरा एक अनुभव है, दुनिया में हर एक सुविधा एक नया प्रश्न भी तैयार करती है. तो प्लास्टिक आज गहन प्रश्न हो गया. देश में रोज 15,000 टन, 20,000 टन उपयोग होता है, फिर भी हमारे देश में कम होता है. प्रति व्यक्ति 11 किलो पर ईयर, 12 किलो पर ईयर, हर महीने हम 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट करते हैं. अमेरिका में ये 120 किलो है. तो इसका मतलब वो ज्यादा प्लास्टिक का वेस्ट करते, लेकिन उनके यहां इतना ही है कि कलेक्टेड है. आज भी भारत में कलेक्टेड वेस्ट जो प्लास्टिक की है वो प्रोसेस होती है, क्योंकि रिसाइकलिंग के हम मास्टर हैं. लेकिन अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट इज द रियल प्रॉब्लम, एंड दैट इज टू द ट्यून ऑफ नियरली 10,000 टन्स पर डे. इट एड्स. भारत के प्रधानमंत्री का, मोदी जी का सबसे बड़ा काम क्या, ऐसा अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा सैकड़ों अच्छे काम किए, लेकिन स्वच्छ भारत की मुहिम यही उनका सबसे बड़ा काम है, और वो जनता ने हाथों हाथ उठाया. और अब तो जिस सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हमने ऐसा उनके मार्गदर्शन में किया कि मैं ही पर्यावरण मंत्री था, हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इन सबको हमने 2016 में रिवाइज किया. प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार की. आप ये जोर से लिखिए कि प्रोड्यूसर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी सभी प्रोड्यूसर वेस्ट कलेक्शन की जिम्मेवारी नहीं ले रहे. उनको दोनों ऑप्शन दिए हैं कि या तो आप कलेक्ट करके साइंटिफिक प्रोसेसिंग में डालो, और नहीं है तो वहां जो कलेक्ट करने वाली एजेंसी है, कॉरपोरेशन है, ग्राम पंचायत है, उनको पैसे दो. यह हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोविजन की है. दिल्ली में मेट्रो का काम, खासकर सुरंग कैसे बनाते हैं वो मुझे देखना था, तो मैं सुरंग देखने गया. तो उसमें इतनी माटी इकट्ठा होती है, लेकिन दिल्ली के सड़कों पर जरा भी निशान भी नहीं होता. तो मैंने वो सारी प्रोसेस देखी, मुझे आनंद आया कि ये वेस्ट, इतनी धूल निकलती है और कहीं भी धूल नहीं. कितना साइंटिफिक कलेक्शन करते हैं, डिस्पोजल करते हैं,
ढंग से रखते हैं और शहर में धूल उनके कारण नहीं फैलती। तो मैंने सारे अधिकारियों को भेजा वहां और मैंने कहा यही हमारे नए कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होंगे। और फिर सब तैयार हुए। आजादी के बाद पहली दफा मोदी सरकार में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट तैयार हुआ। इतना कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, डिमोलिशन बढ़ा है, तो अभी पानी मारना पड़ता है, पर्दा लगाना पड़ता है, बहुत सारे काम है। सब 100% करना ये इंडियन की फितरत में नहीं है। तुरंत डंडा भी चलेगा तभी होता है थोड़ा। तो ये शुरू हुआ, लेकिन मुझे खुशी है आप भी जाके देखिए दिल्ली में। हमने कहा कि ये जो राडा रोडा जो होता है डेबरी, ये डेबरी आप कहाँ डालोगे? तो डेबरी नदी में या सड़क किनारे नहीं चलेगी, दंड होगा। और वो दे दो कलेक्शन में और उसके द्वारा हम साइड फर्नीचर, रोड का साइड फर्नीचर, डिवाइडर है, पेवर ब्लॉक्स है, वो सब तैयार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 3 फैक्ट्रीज शुरू हुई है और लगभग 10,000 टन रोज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से साइड फर्नीचर रोड का तैयार हो रहा है। ये भी एक अच्छी खबर है, ये हमें समझना चाहिए। तो वी आर ऑलरेडी इन टू सर्कुलर इकोनॉमी रोड। और ये सारे वेस्ट का प्रोसेसिंग आज रोज का 30-40 हजार टन का है। वो बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2-3 साल में 1,00,000 टन रोज डेली प्रोसेस होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी प्रकार की वेस्ट, वो जो केवल समुद्र में जाती है प्लास्टिक बहकर, वो मुद्दा नहीं है केवल, और मछलियों के पेट में दिखती है, उसमें भारत का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे यहां प्लास्टिक सड़कों पर इधर उधर गिरा था, मैंने देखा है परसेप्टिबल चेंज इन लास्ट 4 ईयर्स। और अभी मैंने सबसे अच्छा दृश्य देखा है कि कोई प्लास्टिक की थैली ऐसे फेंकने लगा तो दूसरा रोकता है या पीछे से आकर उठाता है। और खास करके घर की फैमिली सारी कहीं ट्रिप पर जा रही होती है तो अगर कोई फेंकने की कोशिश करे तो उस घर का जो सबसे छोटा बच्चा है वो मां बाप को कहता है कि आप ये मत डालो। ये कहानी है। तो एक बार अगर आदत हो जाए, संस्कार हो जाए, और स्वच्छता वैसे हमारा धर्म था लेकिन हमारे में एक प्रॉब्लम था कि हम घर को साफ करते और नजदीक वाले के सामने कचरा फेंक देते या वहां करते हैं। तो पब्लिक वेस्ट कलेक्शन, पब्लिक वेस्ट प्रोसेसिंग एंड पब्लिक वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली एंड रिसाइकलिंग इन प्रॉपर थिंग्स। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुंबई में जहां ढेर लगे हैं मानखुर्द में और वहां अपने गाजीपुर से भी बड़े हैं, मैं उस पूरे ढेर पर ऊपर तक गया। ऊपर जाने के बाद वहां सारा कलेक्शन करने वाले, सेग्रीगेशन करने वाले लोग, बच्चे काम कर रहे थे, एक एक अपनी अपनी, कोई टीन उठा रहा है, कोई ग्लास उठा रहा है, कोई प्लास्टिक उठा रहा है, कोई कुछ और उठा रहा है, कोई कागज उठा रहा है, क्योंकि वहां वहां जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। तो मैंने उन बच्चों से संवाद किया, मैंने पूछा कि आप प्लास्टिक क्यों नहीं उठा रहे? तो बोले साहब ये पतली पन्नी जो है वो 1 किलो के लिए 250 लगती है और 250 बार हमें झुकना पड़ता है, तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट मैच नहीं होता, तो मंजूर है। और इसलिए हमने सभी दुकानदारों को और सब प्लास्टिक वालों को बताया है कि 40 माइक्रोन और अभी तो 50 माइक्रोन के नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। वो ठीक है, वो रहता ही नहीं। मैंने अभी दिल्ली में एक सफाई अभियान में गया तो केवल वो सैचे जो होते हैं
पान पराग, पान मसाला, जर्दा और ये जो है वही अब सबसे डेंजरस प्लास्टिक और कागज और ये मिक्स ऐसा जो उसका है, और वो कोई उठाएगा नहीं क्योंकि उसका रिसाइकलिंग हो, कितने उठाओगे, कितनी बार झुकोगे? तो इसलिए उस पर भी पाबंदी डालने का, और प्लास्टिक के बिना वो हो, इसका हमने अभियान छेड़ा है। अनेक मिल्स पर जो ऐसा करते थे, पांच पान मरागो पराग के कंपनियों के ऐसे प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए, उनको केवल दंडित नहीं किया है, उनको ये बदलने को लगाया है। यही मोदी सरकार है। तो ये यही हमारा काम है। आप गोपाल आर्या जी, आप मुझे मेरा ये काम मंजूर करोगे? प्लास्टिक के लिए भी ये है। पेड़ तो हमारा ज्यादा, अभी दो तीन वाक्य है, पेड़ में वी आर द ओनली कंट्री विच इज ग्रोइंग इट्स ट्री कवर। लास्ट 10 साल में दुनिया का 20% जंगल कटा है, हमारा बढ़ा है। ₹17,000 स्क्वायर किलोमीटर, छोटी बात नहीं है। और अभी मोदी जी की नई स्कीम जो है मेड पर पेड़, ये चलेगी, और इसका भी एक बहुत सार्थक परिणाम रहेगा। पानी के दिशा में तो बहुत हो रहा है, अद्भुत योजनाएं आ रही है। खेती में सबसे ज्यादा पानी जाता था 80%, वो कैसे बचाए, और विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स, एक्चुअली क्रॉप को कम पानी देने से बढ़ते हैं ज्यादा, और वो एफिशिएंसी नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आई है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। मैंने अभी महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर से एक टूर करना था मुझे, तो वो एक कार्यक्रम में, दो तीन कार्यक्रम थे, गया था, तो मैंने देखा कि हर खेत, दो तीन खेत में एक खेत तालाब हो गया है, एक एक एकड़ का, एक एक हेक्टर का, बहुत बड़े बड़े तालाब हो गए हैं, लाइनिंग सहित है, प्लास्टिक सहित है, तो वो उसमें बहुत फायदा हो रहा है। तो पानी को संभालो, पानी को जमा करो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने सभी फॉरेस्ट का, जंगलों का लीडर टेक्नोलॉजी से, लाइडर टेक्नोलॉजी से सर्वे किया, ड्रोन और इसके माध्यम से होता है, और वाटरशेड डेवलपमेंट के कैसे कैसे काम होंगे वहां, उसका पूरा डीपीआर बना के राज्यों को दिया, या हमारे तरफ से हमने काम किया, और डीपीआर से लोग वहां के इतने खुश हुए कि उन्होंने सरकारी कंपनी है वेबकॉस, उनको कॉन्ट्रैक्ट देके अपने बाकी जंगलों का भी वो सर्वे अप करा रहे, क्योंकि उसी से जंगल में ही पानी का निर्माण होता है, वो बचाना है। वाटर एंड फॉडर ऑगमेंटेशन इन जंगल एरिया इज अवर नेक्स्ट मिशन, और वो हम करेंगे, और उससे ही देश पानी में भी, प्लास्टिक में भी, पेड़ों में भी, और सर्कुलर इकोनॉमी में भी निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेगा, ये मुझे विश्वास है। वी विल लीड बाय एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। थैंक यू।